हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पूरे होल को समान हिस्सों इक्वल पार्ट्स में बांटना और उसे भिन्न फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं इसके बारे में जाना। इस वीडियो में हम इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। एक दिन चंदा बगीचे में घूम रही थी, तभी उसे वहां एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि उसे कुछ सुरागों को ढूंढना होगा और यदि उसने सारे सुराग ढूंढ लिए तो उसे एक खजाना मिल जाएगा। चंदा उत्साहित हो गई। उसने झट से चिट्ठी को आगे पढ़ा। उसमें लिखा था कि पहले चंदा को ऐसी खिड़की ढूंढनी होगी जिसके 3/4 कांच नीले रंग के हों। बच्चों, क्या आप 3/4 को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, हम इस तरह से 3/4 को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, क्या आपको याद है कि यहाँ 4 संख्या बताती है कि हमारा पूरा होल 4 बराबर हिस्सों इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है और उनमें से 3 भाग पार्ट्स नीले रंग के हैं। अब चंदा उस खिड़की को ढूंढने लगी। आखिर उसे ऐसी एक खिड़की नजर आई। क्या इस खिड़की के 3/4 कांच नीले रंग के हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ये खिड़की 4 समान भागों में बटी हुई है, जिसमें से 3 भागों में नीले रंग का कांच लगा हुआ है। इस तरह खिड़की के 3/4 3/4 भाग में नीले रंग का कांच लगा है। चंदा को इस खिड़की के नीचे उसका अगला सुराग मिला। उस सुराग में लिखा था कि उसे ऐसी छत ढूंढनी होगी जिसका 2/3 हिस्सा पीली ईंटों से बना हो। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ये किस तरह की छत होगी? जी हाँ, ये एक ऐसी छत होगी जो 3 बराबर हिस्सों में बटी हो और उसमें से 2 हिस्से पीली ईंटों से बने हो। चंदा सोचने लगी कि उसने ऐसी छत पहले कहाँ देखी है। तब उसे याद आया कि ऐसी छत तो उसके दोस्त गोलू पांडा के घर के ऊपर है। चंदा तुरंत गोलू के घर पहुंच गई। अगर गोलू की छत इस तरह के आकार की है तो क्या आप इसे 3 समान हिस्सों इक्वल पार्ट्स में बांटकर उसके 2/3 हिस्सों में पीला रंग भर सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, हम इस तरह से छत के 2/3 हिस्से में पीला रंग भर सकते हैं। अब चंदा को गोलू के घर के पास उसका आखिरी सुराग मिला। उस सुराग में लिखा था कि उसे ऐसा एक वृत्त ढूंढना है जिसके 6 समान हिस्सों में से 5 हिस्से गुलाबी रंग के हों। चंदा को ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये वृत्त कैसा नजर आएगा। क्या आप ऐसा एक वृत्त बनाकर चंदा की मदद कर सकते हैं? आप वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने इसे बिल्कुल सही तरह से बनाया है। यहाँ 6 समान हिस्से हैं और उनमें से 5 गुलाबी रंग के हैं। इसे हम भिन्न के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं और इसे 5/6 कहते हैं। चंदा को आपने बनाए चित्र से याद आया कि उसने इस तरह के वृत्त आकार की घड़ी बड़बोले चाचा के घर में देखी है। वो तुरंत बड़बोले चाचा के घर पहुंच गई और वहां उसने देखा कि बड़बोले चाचा ने उसके लिए उसका सबसे प्रिय अखरोट ला रखा था। दरअसल ये सारे सुराग उन्होंने ही चंदा को एक सरप्राइज देने के लिए छिपाए थे। बच्चों, इस पाठ में हमने पूरे होल को समान हिस्सों इक्वल पार्ट्स में बांटना और उसे भिन्न फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे।